पहले कुछ तो तुम्हारी बात हो रही थी। जी, अभी आप देख रहे हो हमने काफी धमाल मचाया हुआ है। हाँ है? क्या हमने कहा कि हमने काफी धमाल मचाया हुआ है अभी हम एक। हाँ, तुम्हारा तो जोर शोर से चल रहा है। हाँ, आपने YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब किया है? किया है ना? किया है। ओके। हाँ तो यार बीडी मुझे देखते मेरी हैं, तुम्हारा देखते हैं उसमें वो सब। अच्छा, बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अब खुद करने में दिक्कत, मन नहीं होता है। नहीं, ये चीज से ऊपर आना है। आपको महाऊर्जा केंद्र बनना है। हमने एक बड़ी फिलॉसफी हम साथ में लेके आए हैं। हाँ देखो, मैं यूपी के चुनाव को लेके एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि देखो, यूपी के चुनाव में दो चेहरे ही लड़ रहे थे, योगी और मोदी, राइट? और लोगों ने वोट किसी कैंडिडेट को नहीं दिए हैं, योगी और मोदी को दिए। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानते हैं, तो सही है। अच्छा, अभी मैं इलेक्शन कमीशन की एनालिसिस देख रहा था तो जो एमएलए जीते हैं उसमें 51% के आपराधिक रिकॉर्ड है। हाँ तो जब जो है योगी और मोदी का चेहरा ही लड़ रहा था तो इनकी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने अपराधियों को हमारे ऊपर थोपा? हमने तो अपराधियों को वोट नहीं दिए, हमने तो वोट योगी और मोदी को दिए हैं। तो ये नेता लोग अपने आसुरी काम से जो है ना, ये बाज नहीं आएंगे। योगी और मोदी रिलेटिवली अच्छे इंसान है, लेकिन आसुरी शक्तियां तो सब जगह ऑपरेट हो रही है। अब मान रहे कि नहीं मान रहे? हाँ सही बोल रहा हूँ। तो मैं जब भी अब आसुरी शक्तियों की बात करता हूं तो आसुरी शक्तियों से क्या अपन भिड़ सकते हैं क्या? हेलो। हाँ, मैंने कहा क्या हम लोग आसुरी शक्तियों से लड़के जीत सकते हैं क्या? सतयुग से लड़ाई होती रही है, जीतते हैं, असुरी शक्तियां फिर पैदा होती हैं, फिर लड़ाई होती है। तो नहीं, इसको थोड़ा सा और गहराई से सोचना होगा। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हमेशा तपस्या की गई और शिवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और देवी देवताओं के वरदान से सुसज्जित होके ही इन आसुरी शक्तियों को नष्ट किया जा सका है। इनको लोगों ने अपनी शक्ति से नष्ट नहीं कर पाया है। तो तपस्या में तो लगा हुआ है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट निकाला है उसमें यही निकाला है कि हम यदि ऊर्जा केंद्र बन के अपने प्रभाव क्षेत्र के प्रचार केंद्र नहीं, ऊर्जा केंद्र, तो चुंबक जैसे लोहा उसके नजदीक आता है वो अपने जगह पे ही रीओरियंट होके चुंबक बन जाता है, तो उसी क्रम से यदि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत कर दें तो अधिकांश लोगों को ऊर्जाकृत करने में हमें बहुत दिक्कत नहीं जाएगी और ये संख्या आसानी से करोड़ों में पहुंच जाएगी, नंबर वन। दूसरी बात है, अभी हर कोई हताशा और निराशा में है, उसे लग रहा है कि इन आसुरी शक्तियों से बचना बहुत मुश्किल काम है और वो भी इन आसुरी शक्तियों की ही पूजा में लग जाता है क्योंकि उसे सर्वाइवल का और कोई तरीका समझ में नहीं आता है, राइट? तो इन सब चीजों से एक फ्रस्ट्रेशन होता है। देखिए, अपने इतने सारे लोग विदेशों में है, NRI है, उनको ये लगता है कि भारत के नेता कभी कुछ अच्छा नहीं होंगे। ये मानते कि नहीं मानते आप? तो इसके कारण चाहे हम कहां कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हो, खूब धन क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी हताशा और निराशा बनी रहती है। और इवन जो NRI है उनके जुड़े हुए लोग तो भारत में ही रह रहे हैं, उनको लेके चिंता भी बनी रहती है और कई बार जो है ना बहुत दुष्टतापूर्वक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई, गुंडों ने घेर लिया, जबरदस्ती मकान पे कब्जा कर लिया, झूठे मुकदमों में फंसा दिया, ऐसे बहुत सारे कृत्य होते रहते हैं। यदि और कुछ नहीं तो साइबर क्राइम ही हो गया है, पैसे जो है ना आपसे OTP ले लिया, कुछ ले ली करके जो है ना आपके पैसे भी ले लिए, तो कुछ ना कुछ दुष्टता होती रहती है और इन लोगों ने पूरी लचर व्यवस्था जो है ना पैदा कर दी है। देखो यार, अपन लोग तो इस पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। अंग्रेजों ने 1861 एक्ट जो है ना इस भारतवर्ष की सेवा के लिए नहीं बनाया था, इन यहाँ के जो है ना राष्ट्रभक्तों को तोड़ने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बनाया था।
और अपन लोग जो ना इसी सिस्टम के हिस्सा रहे हैं, ये बताइए इतनी सारी कमेटी और कमीशन बने, इन दुष्टों ने कुछ लागू किया ग्राउंड पे? नहीं किया। अच्छा अब आप दूसरी बात देखिए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदी जजमेंट दिया कि ये इस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा कि नहीं। अब इन 16 सालों में मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपका क्या आंकलन है। मेरा तो मानना ये है कि मध्य प्रदेश में मैं ये देखता हूँ कि इनकी जो है द होल सिस्टम इज अंडर देयर नाउ पुलिस इज अंडर फुल एंड 100% कंट्रोल ऑफ दीज राजनेता। तो इंटरफेरेंस से तो बात बहुत ऊपर पहुंच गई है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह आसुरी शक्तियां अपना हर का इम्प्लीमेंटेशन इतने गंदे तंग से करेंगे कि उनकी असली शक्ति बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। अपने नेता जैसे अपन ने अभी कहा कि 51% यूपी के एमएलए वो अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, राइट। तो ये तो खुद अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं ही, इनके विरुद्ध कोर्ट ने संज्ञान लेके रखा है, बहुत सारों के विरुद्ध जो है ना स्थायी वारंट जारी होंगे। इन लोगों ने अपने आसपास चंगू मंगू जो इकट्ठे किए हैं उनमें गुंडे मवाली और अपराधी चरित्र के लोग हैं, और महाराष्ट्र में थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि वहां शिवसेना का वर्चस्व है, राइट। और जिन लोगों को पुलिस को पकड़ के लॉकअप में डालना चाहिए, पुलिस उनको सलूट करने के लिए मजबूर है, और कई बार उन्हीं शक्तियों के जो है ना सलाम करके शायद फेवरेबल पोस्टिंग लेने की भी हम लोग कोशिश करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो कुल मिला के ये आसरी व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी जब तक कि हम ऊर्जा केंद्रों का फैलाव करके और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अनुनय विनय प्रार्थना करें, और ये ना माने तो इनको विवश करें, और फिर भी ना माने तो फिर मजबूरन में क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो और 545 महा ऊर्जा केंद्र जो कि इस दौरान आप पहचानते जाएंगे, जैसे जिसमें से बीडी मिश्रा भी एक महाऊर्जा केंद्र हो सकते हैं, उनको उनके माध्यम से सभी को ऊर्जाकृत करते हुए और इन 545 ऊर्जा महाऊर्जा केंद्रों को अपने ऊर्जा केंद्रों के बोर्ड से बिना चुनाव प्रसार के आसानी से जिताया जा सकता है कि नहीं जिताया जा सकता है? सिस्टम है, हम तो नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी वो जिताया जा सकता है। नहीं, देखिए ये बताइए, एक चुंबक के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आशा नहीं होगी तो आशा पे आसमान टिका है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मान लो लोहा, यदि चुंबक के पास में लोहा आया, उसे चुंबक बनने में कितनी देर लगती है? कुछ नहीं, राइट। उसके बगल में उस चुंबीकृत हुए लोहे के बगल में कोई दूसरा लोहा आता है तो उसे चुंबक बनने में कितनी देर लगती है? बहुत कम, राइट। मतलब बिना कुछ समय में ये ऊर्जा केंद्रों का प्रसार कब करोड़ों में, कब 50 करोड़ में, कब 100 करोड़ में पहुंच जाएगा यदि हम संकल्पित भावना से काम करेंगे और अपने समय में से आधा घंटे, पौन घंटे, एक घंटे भी निकालेंगे और हमने उसको ऊर्जा केंद्र को का जो संकल्पित समय, हर किसी को संकल्प लेना है कि साहब हम आधा घंटे देंगे, एक घंटे देंगे, दो घंटे देंगे, जो भी उसके पास समय अवेलेबल है, राइट। और उसे अपने प्रभाव क्षेत्र के एक NRI से बात करना है प्रतिदिन और एक प्रवासी भारतीय से बात करना। तो जैसे आप मुंबई में हैं, राइट, तो आपसे जुड़े लोग गोरखपुर में होंगे और उसके आसपास आपके गांव के आसपास होंगे, दिल्ली में होंगे, राइट। तो उनको ऊर्जाकृत करना है। तो एक आपने विश्व में भी एक ऊर्जा केंद्र पैदा कर दिया अर्थन, और एक देश के अंदर कर दिया दूर, और बचा हुआ समय है वो जहां पे भी आप हैं, जैसे मान लो आप अभी मुंबई में हैं, तो जहां आपका प्रभाव क्षेत्र है कहीं एक जगह 10 मिनट 15 मिनट के लिए इकट्ठे हो गए या लोगों को बुला लिया या वहां पहुंच गए, और यदि हम उनको ऊर्जाकृत करेंगे, ये वीडियो ऑडियो सुनाएंगे, तो चूंकि सभी में निराशा और नकारात्मकता है तो वो कम से कम एक हटेगी और एक आशा पैदा होगी। तो ये जो है करोड़ों में पहुंचने में 5-6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे यदि हम संकल्पित होकर काम करेंगे तो। और एक बार यदि आप संकल्पित हो गए हैं, फिर आप इन ना तो चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप जो है नरेलो को कर रहे हैं, ना आप दिल्ली चलने के लिए कह रहे हैं, ना आप जंतर जंतर मंतर जाने के लिए कह रहे हैं, तो आप तो कोई खर्च नहीं हो रहा है।
आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आसुरी शक्ति आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर दें, नहीं कर पाएंगे ना, है कि नहीं। और हम अपने ही प्रभाव क्षेत्र के महाऊर्जा केंद्रों को पहचान के 545 या 1000 आदमियों को पहचान के अपन उनमें से 545 लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, तो अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिताना बिल्कुल आसान बात होगी यदि हम छोटा सा काम करें, केवल संकल्पित काम करें। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, जैसे यूं करिए कि मान लो मैं मुंबई आ रहा होता, राइट, तो मैं अपने स्वार्थ से बात करता बी डी मिश्रा जी से, करता कि नहीं करता। लेकिन अभी जो है हम ऊर्जा के प्रसार की बात कर रहे हैं, तो हमारा अपनी नजरों में थोड़ा सा एक सम्मान, एक औहदा अपने आप बढ़ जाता है कि आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अपने खुद के हित की कोई बात नहीं कर रहे हैं, राइट। डू यू एग्री विथ मी? तो हमारा अपनी नजरों में भी सम्मान बढ़ता है। और देखो, ये तो ऊर्जा का खेल है, यदि हमने संकल्प समय दिया तो ऊर्जा तो अपना काम करने वाली है ना, ठीक है ना। तो ये उसका वो है, क्लियर। हाँ बिल्कुल। तो मैं दीदी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महाऊर्जा के इस अभियान में हमारा साथ दें, हमसे जुड़ें। आप हमारे, आप बड़ी सदात्मा हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति तो हैं, तुम्हारे से शुरू से जुड़े हुए हैं। नहीं, आप थोड़ा समय संकल्पित करते हैं, आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, चलो उसका भी सोचते हैं। हाँ, तो उससे क्या रहेगा, जितना आपके पास हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो ना दिन भर करिए उसको, 15 मिनट का समय दे दीजिए, आधे घंटे का समय दे दीजिए, लेकिन जो भी संकल्प लेंगे उसे अच्छे ढंग से किया, है कि नहीं। ठीक है, फिर सोचते हैं। चलिए, राइट, भाभी जी को हमारा प्रणाम करिए। बिल्कुल बढ़िया हो, मैं तो बहुत बहुत एनर्जी के साथ लगा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। हाँ, और मुझे उसके बड़े अनुकूल परिणाम भी मिल रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब कुछ ऐसे लोग जो सुसाइड करने वाले हैं, आज एक बच्चे का फोन आया, हमने उसको ऊर्जाकृत करके उसके अंदर का जो नेगेटिविटी उसको दूर करके उसके दिमाग से सुसाइड का ख्याल दूर कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो यही फायदा हुआ, नहीं? हाँ हाँ, मिलते हैं। बस चलिए चलिए, अपन फेस टू फेस और मध्य प्रदेश आने का प्रोग्राम बनाइए। हाँ, ठीक है, ठीक है। राइट पार्टनर, राइट पार्टनर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।